नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं आपके साथ अखिलेश शाटी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो हम देख रहे हैं कि गोल्ड इस वक्त $1791 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है और सिल्वर भी देख रहे हैं कि $22 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर लाल निशान पर आज ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में आज यहाँ पे लाल निशान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि US ट्रेजरी यील्ड्स के अंदर तेजी देखने को मिली है, लेकिन आज भी देख रहे हैं कि उसके बावजूद भी गोल्ड में आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। गोल्ड $1800 के नीचे फिसलता नजर आया है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रेटजी बनाकर चलना सही रहेगा और आगे क्या दाम देखने को मिल सकते हैं, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं कि गोल्ड $1800 के नीचे फिसला है और चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है, आपको क्या लगता है गोल्ड और सिल्वर में आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ये जो गिरावट बनी है क्या ये पूरे सप्ताह जारी रहेगी? देखिए, सोने और चांदी के अंदर जो गिरावट देखने को मिल रही है ये अभी फिलहाल जो है US की तरफ से जो बॉन्ड यील्ड में तेजी देखने को मिली है और डॉलर जो है बाकी अदर करेंसीज के मुकाबले में काफी मजबूत हुआ है, उसका असर फिलहाल बाजारों के ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते सोना ऊपरी स्तरों पर लुढ़कता हुआ दिखाई दिया है और लोगों ने इन्वेस्टर्स जो थे उन्होंने अपना पैसा सोने से निकालकर दूसरी करेंसीज में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से गोल्ड के ऊपर दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं आज इस हफ्ते के अंदर अभी US के इकोनॉमी के आंकड़े निकलकर आएंगे जिसके ऊपर नजर रहेगी और वहां से क्लैरिटी आएगी कि फेड आगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी का निर्णय लेता है या नहीं, उसके ऊपर काफी कुछ डिपेंड करेगा और US के महंगाई के आंकड़े भी काफी हद तक दिशा तय करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले गोल्ड जो है $1780 से लेकर $1820 के बीच में फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जो गिरावट देखने को मिल रही है ये नीचे में 47,000 तक हो सकता है कि बढ़ती हुई दिखाई दे, लेकिन वहां पर एक सपोर्ट आता हुआ फिर से दिखाई दे सकता है। अब इस हफ्ते काफी डिपेंडेंसी उस पर रहेगी कि US का इकोनॉमी का डाटा किस तरीके का निकल कर आता है। उससे पहले सोना एक रेंज में और फिलहाल वही रेंज कायम है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में 47,000 तक नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है और वहीं विदेशी बाजारों की बात करें तो $1780 के आसपास, $80 से $85 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सिर्फ जी बात करेंगे कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन भी सोमवार के दिन भी बढ़त देखने को मिल रही है। बात करें ब्रेंट क्रूड ऑयल की तो $81 के ऊपर है और WTI $79 पर। रूपा जी, देख रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी बनती नजर आ रही है, बल्कि अब जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये लगाए जा रहे हैं कि आगे जैसे अब कोरोना के जो केसेज हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, भारत में भी कई कई जगहों पर अब कर्फ्यू की जैसी स्थिति है, लॉकडाउन की भी पूरी पूरी संभावना है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कच्चे तेल में जो बढ़त देखने को मिल रही है वो क्यों देखने को मिल पा रही है और आगे कच्चे तेल का बाजार कैसा रहेगा? देखिए, अभी जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है कच्चे तेल के ऊपर, अभी भी डिमांड जो है अच्छी खासी बनी हुई है जिसकी वजह से कीमतों के अंदर सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन $80 के बाद से कच्चा तेल ऊपरी स्तरों से लुढ़का है, अब नीचे में $78 के आसपास सपोर्ट ले सकता है, लेकिन आज हल्के हरे निशान के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो ट्रेवलिंग है अगर वो इम्पैक्ट होती है तब कच्चे तेल की डिमांड के ऊपर असर आता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल कच्चे तेल की सप्लाई काफी डिस्टर्ब है, इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और भाव जो है ऊपरी स्तरों पर कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। अभी भी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है डोमेस्टिक मार्केट में वो आज इंट्राडे की अगर बात करें तो 5820 से लेकर ऊपर में 5880 से लेकर 5920 तक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। वहीं डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो $78 से लेकर $80 की फिलहाल रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी अभी भी इसके अंदर बाइंग का ही देखने को मिल सकता है, ऊपर में एक बार 5920 तक कच्चा तेल ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी, ये सर भाजी बात करें अगर बेस मेटल्स की, तो बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले कुछ बढ़त देखने को मिली है, आखिरी कारोबारी सप्ताह के मुकाबले हम देख रहे हैं कि आज बेस मेटल्स में बढ़त देखने को मिल रही है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन, आपको क्या लगता है क्या बेस मेटल्स का बाजार यहाँ से अब और तेजी की ओर जाता हुआ नजर आएगा?
देखिए बेस मेटल में अभी भी पॉजिटिव मोमेंटम है, और चाहे वो कॉपर हो, निकल हो, जिंक हो, लेड हो, एल्यूमिनियम हो, सब में सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छा जो अभी दिखाई दे रहा है मुझे, देखिए आप एल्यूमिनियम में अच्छी खासी तेजी आई है, एल्यूमिनियम के साथ साथ निकल ने अच्छा परफॉर्म किया है, अपने ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, 1580 पर पहुंच चुका है, और 1600 का हमने टारगेट भी दिया हुआ है इसमें, 1620 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। कॉपर काफी सुस्त हो चुका है, कॉपर के अंदर हम लंबे अरसे से देख रहे हैं कि एक रेंज ही बनी हुई है, उसी रेंज में फिलहाल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंट्राडे में हल्के लाल निशान के साथ है, लेकिन मुझे लगता है कि 738 736 के आसपास वापस से बाइंग इनिशिएट हो सकती है, जो कि ऊपर में 742 से 746 तक जाती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि निकल और कॉपर ये दोनों कमोडिटीज अच्छी रह सकती है। एल्यूमिनियम में अच्छी तेजी है, 235 से लेकर 238 तक एल्यूमिनियम भी ऊपर जा सकता है। वहीं जिंक अगेन आने वाले दिनों में हो सकता है आपको 298 से लेकर 300 का स्तर फिर से छूता हुआ दिखाई दे। तो बेस मेटल काफी बुलिश है, इनके अंदर बाइंग करके फिलहाल चला जा सकता है। जी रूपा जी, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे आप, जिनमें आज अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि बेस मेटल के अंदर ही अभी बाइंग में रहना चाहिए, बेस मेटल एक अच्छा प्रॉफिट देते हुए दिखाई दे सकते हैं। निकल जो है वो 1600 के स्तरों के लिए अभी भी इसमें बाइंग किया जा सकता है। एल्यूमिनियम और जिंक के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए, इन कमोडिटीज में भी बाइंग किया जा सकता है आने वाले दिनों में। यहां से करंट लेवल से जिंक की बात करें तो 10 से 15 रुपए का उछाल देखने को मिल सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।